हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा नौवीं का मॉडल प्रश्न पत्र, जो 2021 की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन का जो है संग्रह है। तो इस वीडियो में हम इस जो प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो जो कक्षा नौवीं के छात्र हैं, कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरे से पूरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके सामने ये प्रश्न पत्र है, ये कक्षा नौवीं का है और संस्कृत का है। संपूर्णांक जो है 100 है और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर पहले में जो आपको खालिस्तान दिया रहेगा, तो आपके जो है हम आपको यहाँ सीधा सीधा आंसर बताते चल रहे हैं, आपको इसे नोट करते जाना है। तो सबसे पहले का श्रद्धावान का जो आंसर हो जाएगा वो लपते हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको सेकंड में सनाया का खालिस्तान आश खालिस्तान है, तो इसका जो आपके आंसर हो जाएगा इसका आशित हो जाएगा। थर्ड का गायक गीतानी गायंती हो जाएगा। चौथे का जो सदैव सत्यम खालिस्तान वदानी हो जाए वद वदानी सॉरी वद वत्तु हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो है पाँचवा खालिस्तान है, पाँचवें खालिस्तान में सर्वे तत्र खालिस्तान गच्छाम गच्छति, तो इसका आपके सामने जो है आंसर जो है गच्छाम हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है सही विकल्प चुनने के लिए कहेगा। तो सही विकल्प में पहला यण संधि आशित, तो इसका जो आंसर आपके सामने जो है ये इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद सेकंड विकल्प में जो जगत धन ईसह खालिस्तान भवति, तो इसमें जो है आपका स नंबर जगदीश हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वाग्मयम एतस्य शब्दस्य संधि विग्रहम भवति, तो इसका जो है आपके आंसर जो वाग्धन मयम हो जाएगा। इसके बाद जो है चौथा पावक तस्मिन् शब्दे संधि आसीत, तो पावक में कौन सी संधि पूछा है, तो उसमें जो है अयादि संधि हो जाएगा आपका। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सही जोड़ी करने को आएगा। तो देखिए सही जोड़ी, तो पहला है यथाशक्ति, दूसरा है पितरो और तीसरा है कृष्णचर्प। तो इस साइड में जो है इसमें कौन सा समास है हमें इससे जोड़ी मिलाना है। तो जो है आपका का जो है यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, ख जो है पितरो है, तो पितरो में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, और ग में जो है कृष्णचर्प है, तो कृष्णचर्प में जो कर्मधार है समास हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अधोलिखित जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। आपके सामने 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से कोई 4 में आपको प्रत्ययों के नाम लिखना है। तो जो है रामम दृष्टवा सीता उदत्त, दृष्टवा आप में आपको प्रत्यय बताना है, दृष्टम में जो है कत्वा प्रत्यय होता है, आप सभी को पता होगा। और फिर सेकेंड में जो आपका स दिवंगत गतः, गतः में कौन सा होगा, तो गतः में कतः प्रत्यय हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र सेवमान खालिस्त सैनिका औदत, तो सेवमान में कौन सा प्रत्यय होता है, तो आप सभी को पता होगा कि सेवमान में सानच प्रत्यय होता है, तो आपको यहाँ सानच लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, अहम पठितुम इच्छामी, तो हम पठितुम पठितुम में आपको प्रत्यय लिखना है, तो पठितुम में जो है तुमून प्रत्यय होता है, आप सभी को पता होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सत्यशक्ति की तरफ। तो यह बालक पाठम पठितवान, पठितवान में जो है कौन सा आपके जो है प्रत्यय होगा, तो वाहन में जो है कत्वतु प्रत्यय होता है, पठितवान में आप सभी को यह कत्वतु लिख देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधोलेखिषु पदेषु उपसर्ग युक्तो पदवो चित्वा लिखा, तो इन आपको जो है आपके सामने 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से कोई भी जिन जिन में जो है उपसर्ग है वो उनको जो है निकाल कर लिखना है। तो पाँचवें पहला है गच्छति, दूसरा है अनुगच्छति, तीसरा है निगच्छति, चौथा है सगच्छति, पाँचवा है चतुर्थम और छठवा है धन्वंतम। तो इसमें जो है आपके अनुगच्छति में उपसर्ग होगा, और तीसरा है ग में निर्गच्छति, ये मतलब आपको दूसरा तीसरा निकाल कर लिख देना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इन दोनों में ही जो है उपसर्ग है। अब छठवा आपके सामने जो क्वेश्चन है, शब्देशु अव्ययम चित्वा लिखा, तो इसमें कौन किस कौन से शब्दों में जो है अव्यय है, तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा पहला इदानीम हो जाएगा, इदानीम में अव्यय है, और दूसरा जो है उच्चे हो जाएगा, पाँचवा पहला और पाँचवा, इसमें पहला और पाँचवा आंसर है, बाकी आप कुछ नहीं करना है। जो है प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं, और 7 में आपको दिया हुआ है खालिस्तान। अब खालिस्तान में स्व
स्वाध्याय नामना खालिस्तान। तो इसमें जो आपका प्रमदा हो जाएगा, दूसरा धर्मो खालिस्तान रक्षति, तो इसका जो आएगा रक्षिता, तो इसका आ जाएगा आपके सामने रक्षति। इसके बाद है आपके सामने तीसरा उद्योगिनम पुरुषम सिंह मुपेति, तो इसमें जो आ जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य सत्य प्रश्न नंबर 8, तो सृष्टिकर्म मार्गम प्रतिपद्यत पहला, तो इसमें आपको आम लिख लेना है, ये सत्य है। दूसरा जो है दुर्जन विश्वास करनी है तो ना आ जाएगा। तीसरा आरुणी उद्दालक नामना प्रसिद्ध, तो यह आम आ जाएगा। और फिर सुग्रीवा बालिनम हतवान, तो इसका जो है ना आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्धति शब्द रिक्त स्थान पूर्ति करने, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं और नीचे आपके सामने जो है चार रिक्त स्थान दिए हैं, इसको आपको ये शब्दों को सही उपयोग करके खाली स्थान को जो पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला निष्कारणम विदेश कर्तव्य खाली स्थान प्रत्याता, तो जो इसका पहले का जो है काल मुखम हो जाएगा ये वाला। और फिर दूसरा वत्स मुच्चम खालिस्तान, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल मृगेंद्रम, ये सेकंड का जो है ये हो जाएगा बाल मृगेंद्रम। तीसरे गजवत खालिस्तान आचरित, तो गजरत स्नानम आचरित, थर्ड हो जाएगा आपके सामने। और अगला है आपके सामने दशरथ खालिस्तान विद्या अति निपुण आचरित, तो चौथा हो जाएगा बाण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अधोलिखित उचित मेलनम करो, तो आपको यहाँ सही जोड़ी मिलाना है। तो आपका जो है एक साइड में जो है चार दिए हुए और साइड में आपको चार दिए, तो इसको सही जोड़ी मिलाना है। तो अब तो क्रोधात का आपका आ जाएगा समूह, उसके बाद दीर्घ कर्ण नाम, तो फिर आप यहाँ आ जाएगा आपका मार्जरा व्याधा, तो फिर इसका आपको सही जोड़ी जो है व्याधा का कौंचम हतवान और कपूर तिलका हस्ती, इस तरीके से आपको जोड़ी मिला लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित चतुर्था नाम प्रश्नानी उत्तराणी संस्कृत भाषा में एक पद इन, तो एक पद में आपको जो है इनमें से आपको क्वेश्चन दिए उनमें छः में कोई चार आपको करना है, तो चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने विवरम कम सत्सम अवलोकती, तो इसमें आपका जो आंसर है वो आ जाएगा घटम। दूसरा है आपके सामने मनोद विनोद कश्य पुत्र आशित, तो यहाँ आ जाएगा हरदत्तस्य। इसके बाद आपको आपका थर्ड जो क्वेश्चन है रक्षक कर कमंडिंग केन दत्तम, तो इसमें जो आएगा आपको आंसर जो आएगा मारीचेन। इसके बाद चलते हैं अपने आपका चौथा जो क्वेश्चन है सर्वपरितज्य कम अनुपालियत, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है शरीरम हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अष्ट दारको केन पोषिता रक्षित चा, तो उसमें आपको आ जाएगा वाल्मीकिना, आपको पांचवे का ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अष्टमूर्ति कुत्र प्रतिष्ठापिताष्ठी, तो आपको जो है छठवें में जो है अष्टमूर्ति कहाँ प्रतिस्थापित की गई थी, तो ये जो है दसपुरे आपको यहाँ लिख देना है, इसका आंसर जो है दसपुरे हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये जो है निम्नलिखित प्रश्रेणी उत्तरायणाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में एक वाक्य दिया, तो स्टूडेंट्स इसको आपको खुद ही से करना है, और यदि आपसे नहीं बनता तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इन सभी के जो है आंसर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपके सामने जो है 13वां क्वेश्चन अधिलिखित जो पंच अशुद्ध वाक्यानि शुद्ध करनी है, तो आपको जो है इनमें से कोई आपको यहाँ पांच जो है वाक्य दिए हुए हैं, आपको यहाँ सात वाक्य दिए हुए हैं, इसमें आपको कोई पांच को जो है सही करना है। तो हम इसको आपको इसमें जो है एक है बालिका तत्र पठती, तो इसका जो आपको
शुद्ध वाक्य करना है या शुद्ध वाक्य है, ऐसे आपको सात जो है वाक्य दिए हुए, इनमें से आपको पांच वाक्यों को सही करना है। तो इसका भी आंसर आपको PDF फॉर्म में नीचे मिल जाएगा, या फिर आप खुद इसे बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, अधोलिखित वाक्यानाम क्रम संयोजनम कुरुत। तो आपको क्रम संयोजन करना है, वे किसी रिलेशन से जो है आपके सामने सात सेंटेंस उठा के रख दिए गए हैं, एक आप कौन सा मतलब का सीक्वेंस में इसको जमाना है आपको। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न पत्र समागतम शोलक श्लोकान विहार सो पाठ्य पुस्तकात कंठी स्थिकृत सुभाषित दो लिखत। तो आपकी जो है आपको जो याद है आपकी बुक से सुभाषित लेशन के जो है आपको दो श्लोक यहाँ लिखने हैं, तो आपको दो श्लोक लिख लेने हैं। इसके बाद आपके सामने जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 16वां क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्याशम समक्यम पाठित्वा प्रश्ननाम संस्कृत भाषा में उत्तरण लिखत। तो आपको जो गद्याश को पढ़ना है, इनके जो है अब चार क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देना है। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन आएगा कि अधोलिखित गद्यांशेषु गद्यांश द्वयस्य प्रश्ननाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि। तो जो है फिर से आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इसके जो है आंसर लिखने हैं। तो सभी आप कर सकते हो, या फिर आप यदि आपको इसके आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर ख है आपके सामने, और एक आपको यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़कर इन क्वेश्चंस के यहाँ आंसर देने हैं आपको। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और एक जो है गद्यांश दिया हुआ है, इनको इसको ग जो है इसको भी आपको पढ़ना है, और इन सभी क्वेश्चनों के जो है आपको आंसर देने हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लोगे। इसके बाद आपके सामने जो है 18वां क्वेश्चन, 18वां अधोलिखित पद्यांशु पद्यांश प्रश्न मुत्राणी संस्कृत भाषाएं देयानी। तो आपको जो है यहाँ कुछ पद्यांश दिए हुए हैं, इसमें से दो पद्यांशों को जो है आपको पढ़ना है, और इसके जो है आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको ये श्लोक है, इसमें जो है आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको करना है। ये जो है चौथा पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल, इसमें आपको इनको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आपके सामने दूसरा है, ये भी आपका एक श्लोक है, ये भी आपका एक श्लोक है, इसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से। और आपके सामने जो है एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चनों के जो है आंसर तैयार कर लेने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है श्लोक, इसके भी आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको भी आपको पूरे कर लेने हैं। कोई दो ही पूरा करना है आपको, आपको यहाँ तीन पद्यांश दिए हुए थे, और हमें बोला हुआ था कि कोई पद्यांश दो पद्यांशों के जो है हमको आंसर देना है, तो आपको यहाँ तीन दिए हुए हैं, तो आपको कोई दो ही करना पड़ेगा। फिर आपके सामने 19वां प्रश्न है, स्वप्राचार्य कृते जिस दृश्य अवकर्ण अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखत। तो आपको यहाँ कोई जो है अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है, अधोलिखित आपको 19 में जो है 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, स्वस्य भागिनाम विवाहो उत्सवे आमंत्रण येतु स्वमित्रस्य कृते एकम प्रार्थना पत्र लिखम। तो आपको अपनी बहन की शादी में जो है सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को जो है एक पत्र लिखना है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अपना आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अधिलिखित एकम विकल्प स्वीकृत सप्त शब्द हेतु संस्कृत निबंध लिखा। तो इनमें से आपको यहाँ चार टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको जो है एक निबंध लिखना है, किसी भी एक टॉपिक पर आपको यहाँ निबंध लिख लेना है। दोस्तों विद्यार्थियों, आपका ये पेपर जो है संस्कृत का पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। आपका लास्ट 20वां क्वेश्चन था, और यदि आप जिन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के अंदर जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही आगे आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगली एक स्टडी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।